it's amazing. I mean, I can't wait, honestly. Look, whatever is the best thing to do for the environment, the larger picture, I think Audi has taken the first steps already compared to many other brands, and establishing yourself first and being the most trusted is very important. So whenever this shift happens, you'll definitely see me totally using electric cars in future. You are there for many initiatives. Will you be a brand ambassador for government if they approach you for electric cars? If they approach... What is your favorite Audi? My favorite Audi is Q7 for years. I have an 8 too. But now I have said on the stage, you will know what the upgrade is in January. I think I know what that is. But I don't want to say it here. But 8 and Q7, the most comfortable and my favorites. सबसे पहली गाड़ी ओ ये तो काफ़ी एक्चुअली मुश्किल नहीं है. पहली गाड़ी मेरी थी 2008 में मैंने पहली गाड़ी ली थी अपनी, वो थी सफारी. हाँ बहुत मुझे बड़ी गाड़ी का शौक था और उस टाइम म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगाने का बहुत ट्रेंड था दिल्ली में, तो मैंने जाके पूरा म्यूज़िक सिस्टम वगैरह फिट करवाया उसमें 2008 में पहली गाड़ी सफारी. बड़ी जल्दी आगे जाएंगे सर, अभी मिलने जा रहा हूँ मैं उनसे थोड़ी देर में, तो फिर अगली बार आपको अपग्रेड करूँगा कि मीटिंग कैसी थी. सर क्या कुछ पूछने वाले हो आप उनसे? मैं कुछ नहीं, उनसे मिलूंगा, काफी टाइम पहले भी मिला हूँ, काफी चीजें हैं डिस्कस करने को, तो एक अच्छी डिस्कशन आप लुक फॉरवर्ड करते हैं जिन्होंने पहले क्रिकेट खुद खेला हो, जिनको पता हो कि आप किस सिचुएशन में हैं, टीम को क्या ज़रूरत है, इंडियन क्रिकेट की क्या जो है रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. तो आई थिंक एक प्रोफेशनल काफ़ी एक अच्छे लेवल पे डिस्कशन होनी काफ़ी ज़रूरी होती है, और हेल्दी डिस्कशन इसलिए होगी क्योंकि दोनों ही क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब मैं खेल रहा हूँ, वो खेले हुए हैं, और एक समझ होती है जो आप बोल रहे हैं उस चीज़ की. तो आई थिंक बहुत अच्छी उनसे मेरी पहले भी डिस्कशन हुई है और अभी भी मैं सेम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं. सर गाड़ी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी प्लीज. व्हाट डू यू सी द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑडी एंड विराट ब्रांड एट्रिब्यूट? स्पोर्टी, बोथ आर स्पोर्टी एंड प्रोग्रेसिव. तो विराट जी स्पोर्ट्स पर्सन है और हमारी गाड़ियाँ भी स्पोर्टी हैं, एंड हम प्रोग्रेसिव गाड़ियाँ लाते हैं, एंड ही इज ऑल्सो वेरी प्रोग्रेसिव. जो फ्यूचर का सोचते हैं, फ्यूचर का सोच के गाड़ी लाते हैं, जैसे इन्होंने अभी बोला अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लाते हैं तो वो गाड़ी चलाएंगे, तो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, हम भी लाना चाहते हैं, एंड द कस्टमर्स आर रेडी एंड द ब्रांड एम्बेसडर इज रेडी. सब लोग इकट्ठे मिलके इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इंडिया की स्टोरी को सक्सेस बनाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बेच रहे, हम सबको इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाना है. सो जो विराट जी करते हैं, जो भी हम कंपनीज करती हैं, हम कहीं ना कहीं इंडिया की स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वही हमारा मकसद है. लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर द टेस्ट सीरीज विन, दैट वाज ऑसम. आई जस्ट वांट टू नो, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, डू यू एंजॉय मोटर स्पोर्ट्स? वुड यू डू एंजॉय ड्राइविंग ऑन द रेस ट्रैक? How about you? Yeah, I've been to the race track before. I've taken my R8 there. How much do you enjoy driving on the track? It's nice. I mean, it's wonderful. There's no traffic to worry about, there's no distractions, you can just enjoy yourself. I've done that 2-3 times in the past, but obviously abhi itna time nahi hai, I don't have so much time on me, but yeah, I've enjoyed it in the past. Thank you so much. Well, this is a moving figure because we also keep on getting lot of information from government, but we are moving towards it. Where we will reach, I think it's too early to say, but we have to move positively. And we will need to bring more technology, which is most important. So we will move upwards, that's for sure. How much it is, I think it's too early. I think Mr. Balbir is here, so you can ask more. Thank you very much. Thank you.